खाना नहीं खा रही हो ना, तुम यहाँ की बैठ गई हो। अच्छा फेवरेट जगह हो तो वही एक काम करते, यहीं खाना दे दिया करें क्या, फेवरेट जगह भी। चलो जल्दी से खाना फिनिश करो यार, कितना टाइम लगाती हो खाना खाने में। मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, चलो जल्दी से खाना खाओ फटाक से। अरे चटनी अच्छी लग रही है ना एको? Yes, mama. मिर्ची डाल दें उसमें और थोड़ी। मिर्ची अच्छी लगती खाने? सच बताओ, डाल दूँ? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारा इवनिंग रूटीन। और अभी बजे हैं शाम के 5, लेकिन बाहर जो है बिल्कुल दिन ढल चुका है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो जल्दी दिन ढल जाता है। और अभी अनायका जनरली शाम के टाइम वो कार्टून वगैरह देखती है, और अभी नाश्ते का भी टाइम हो गया है, तो नाश्ते में हम आज खा रहे हैं जो मूँगफली होती है उसको मैंने भिगो दिया था सुबह ही, तो शाम को बस मूँगफली में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के, और ये ड्राई फ्रूट के कुछ लड्डू बनाए थे मैंने घर पे ही, तो वो लड्डू शाम को थोड़ा सा अच्छा रहता है। ऐसे ही बच्चों को कुछ स्नैक लाइट दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात को फिर उनको खाना भी खाना होता है। और अनाया का हो रहा है नाश्ता, साथ में एक बलून भी दे दिया है मैंने, और उसको मैंने बोला है चलो छोटा बड़ा इस पर लिख के दिखाओ क्या है। जब से दिवाली हुई है ना, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो बच्चों का एक गैप हो जाता है, हम लोग भी बिजी रहते हैं फेस्टिवल की तैयारियों में, तो बच्चों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप हो जाता है पढ़ाई में, और वो चीज़ क्या होता है बाद में ना बच्चों का इतना जल्दी मन नहीं लगता है, तो वही चीज़ हो रही है अनाया के साथ। तो थोड़ा सा मैंने कुछ एक्टिविटी वगैरह इस समय करा रही हूँ उसको, और मैंने अनाया को बोला कि चलो इसमें पूरी आपको हिंदी की वर्णमाला लिखनी है, पूरा बलून को भर देना है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर लिख रही थी वो। क्या होता है कभी ना बच्चों को कोई कोई नई चीज़ें मिलती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर पाते हैं। और मैंने काफ़ी कई बार अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस एक्टिविटी की आप लोग के साथ शेयर भी की है, आप लोग देखिएगा वीडियो, काफ़ी आइडियाज़ आपको उससे मिलेंगे। बस इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिवाइज़ करानी है मुझे, तो मैं अनाया को भी पढ़ाने बिठाऊंगी और उसकी बुक्स वगैरह लेके बैठूंगी, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले भी पढ़ाई है। लेकिन होता है कि कोई भी गैप हो जाए ना, तो बच्चों को रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है, तो बस आज मैं उसका रिवीज़न कराऊंगी यहाँ पर। और शाम को जब अनाया को पढ़ाने बिठाती हूँ तो मैं रात का डिनर की भी तैयारी साथ में कर लेती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वो लेट हो जाता है, और ठंड के मौसम में तो लेट काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो बस आज मैं पढ़ा रही थी अनाया को 1 से 10 तक की स्पेलिंग वगैरह, क्योंकि पढ़ाया था तो मैंने देखा चलो भूल तो नहीं गई, तो बस उसका थोड़ा सा मैचिंग वगैरह के थ्रू मैं उसको करवा रही थी। और इसके बाद मैंने अनाया को दे दिया है A से Z तक की स्पेलिंग लिखने के लिए, कि आपके कौन कौन से आते हैं वो लिखो, जो नहीं आते मुझसे पूछना। तो बस वो हो गई है बिज़ी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। और जो डिनर होता है हमारा वो काफ़ी लाइट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी डिनर हम लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च, और बहुत ही नॉर्मल सब्ज़ी मैं इसकी बनाऊँगी। और बस मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया है कि खाना जो है जल्दी रेडी कर लेना, और अभी ऑफिस से आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा है खाना जल्दी रेडी हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा स्टिचिंग का कुछ काम भी था, तो मैं वो भी फटाफट निपटा लूँगी। और अनाया का तो काफ़ी मन लग गया है पढ़ने में, तो जब तक मेरा डिनर रेडी होगा तब तक वो आराम से पढ़ती रहेगी। अब बस मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और अब मुझे 15 से 20 मिनट में खाना को रेडी करना है। तो मैंने प्याज वहाँ पे नहीं काटा, क्योंकि अनाया पढ़ रही थी फिर उसकी आँख में लग जाती, तो मैंने प्याज वगैरह किचन में आके काटा। और मैं अब यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी मैं उसकी, नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं वही यूज़ करूँगी। और शिमला मिर्च की सब्ज़ी में तो बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह अच्छी नहीं लगती है, बस सिंपल टमाटर प्याज और आलू होते हैं वो डाल दो, और शिमला मिर्च आप ये तीनों डाल के बनाएं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा शिमला मिर्च को हल्का सा कच्चा बन रहेगा तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस ये नॉर्मल कुकिंग मैं यहाँ पे करूँगी, वैसे मुझे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, मैं किचन के काम भी फटाफट निपटाती हूँ और अपने दूसरे काम करने लगती हूँ। और बस सब्जी बन रही है, और मैंने सोचा आटा भी गूँथ लिया जाए फटाफट, तो बस यहाँ पे मैं गूँथ रही आटा। आटा को मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर तक गूँथती, क्योंकि जब आटे को हम बहुत देर तक गूँथते हैं ना, तो उसकी रोटियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट आती है। और देखिए यहाँ पे आ गई है अनाया, और अनाया को कुछ पूछना था, और मेरा मोबाइल अभी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, वरना मैं शाम को जब भी बोर होती हूँ ना खाना वगैरह बनाते समय, तो मैं गाने लगा लेती हूँ और गाने सुनती हूँ। और जब भी डिनर बनाने में किचन में आती हूँ तो मैं सोचती हूँ सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, उसकी क्या तैयारी करनी है, तो वो सारे काम मैं इसी के साथ निपटा लेती हूँ जब भी हाथ फ्री होता है। जैसे स्प्राउट वगैरह भिगोना हुआ तो वो कर लेती हूँ, या फिर सुबह के नाश्ते की जो भी तैयारी अगर रात में करनी होती है वो सारी कुछ कर लेती हूँ।
और अब फटाफट रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं और जितने गंदे बर्तन होते हैं वो सब मैं तुरंत बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर हम हाथों हाथ इन कामों को कर लेते हैं ना तो टाइम बहुत कम लगता है, अदरवाइज़ हमें टाइम फिर अलग से निकालना पड़ता है। तो मैं रात में ही सारा कुछ, अगर खाना जैसे थोड़ा अब 5-10 मिनट और लगेगा खाना खाने में, तो मैं उस 5-10 मिनट ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि सारे बर्तन भी बाहर निकाल दिए, किचन भी पोछ लिया, तो रात की रात ये सारा कुछ साफ़ हो जाता है। और हम लोग अगर रात को साफ़ सफाई करते हैं ना किचन की, तो जो ये कॉकरोच वगैरह होते हैं ना किचन में, इस टाइप से कीड़े मकोड़े कुछ नहीं दिखेंगे किचन में और बड़ा साफ़ सुथरा रहता है। और जब सुबह उठते हैं ना तो काम करने मन लगता है। और अभी बज रहे हैं 8:30-9:30 हो रहे हैं, और इसके बाद मैं अनाया को खाना खिलाऊँगी, क्योंकि अनाया के सोने का टाइम भी हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। और बस अनाया को खाना देने के बाद, देखिए एक ये जड़ी बूटी है जो मेरी मदर इन लॉ ने दिया था। अनाया को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम थी, मतलब जब वो 2 साल की थी, और लगभग 3 महीने वो प्रॉब्लम चली, और मैंने जो है तो दवाई भी बाहर कराई लेकिन वो इतनी असरदार नहीं थी। फिर मेरी मतलब मदर इन लॉ ने ये जड़ी बूटी दी और बोला कि जब भी ठंड शुरू हुआ करे तो मैं इसको दिया करो। तो बस अभी ठंड शुरू हो गई है तो मैं उसको रेगुलर ये मतलब सोने के पहले एक बार ज़रूर देती हूँ। और बिल्कुल ठंड बच्चों को इससे नहीं लगती है, और आपके बच्चे को जो भी सूट करे, कई लोग जायफल देते हैं, कई लोग ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ कई चमन प्लस खिलाते हैं, जो भी आपके बच्चे को सूट करे रेगुलर बेसिस पे आप जरूर दीजिए, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है बच्चों को। क्योंकि बच्चों को अगर एक बार भी ना खांसी सर्दी की प्रॉब्लम हुई तो कम से कम वो 10 से 15 दिन की प्रॉब्लम बनती है, और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इससे फिर। और देखिए अनाया को मैं एक चीज़ और बोलती हूँ हमेशा, कि जब भी आप पढ़ाई करो तो अपनी बुक्स वगैरह प्रॉपर अपने टेबल पे रखो उसको ध्यान से। और देखिए अनाया के रूम का काफ़ी लुक चेंज हो चुका है अभी, जब से विंटर सीज़न आया ना, तो मेरे रूम में एक बड़ी सी विंडो है और जिससे वैसे कांच वाँच उस पर लगे, फिर भी पता नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा हवा आती है, मेरा रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात में। तो इस समय हम अनाया के रूम में ही सब लोग सोते हैं, हमने 2 गद्दे उस पर डाल रखे हैं। और अनाया को सोने के पहले मैं अमलाइकस में घी ज़रूर लगाती हूँ, उससे बच्चों के जो फेस है लिप्स है वो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। ये बहुत बढ़िया वाली टिप है, और अगर आपको याद नहीं रहना तो आप छोटी सी डिब्बी में बगल में बच्चों के रख दीजिए, बच्चों को तो बहुत याद रहता है तो वो इजीली लगा लेंगे। मैं भी यही करती हूँ, मेरे पास छोटी सीसी है उस पे भर के मैंने रख दिया है, और अनाया को बोलती हूँ डेली आप सोने के पहले लगा लिया करो, तो कई बार वो खुद भी लगा लेती है, मुझे भी आके लगा देती है। तो ये बहुत बढ़िया वाली टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, सर्दियों में ज़रूर बच्चों के अमलाइकस में घी लगाएँ, गाय का घी लगाएँ तो और भी बढ़िया है। और ये जो टाइम होता है रात को सोने के पहले, तो वो अनाया का होता है स्टोरी टाइम, और आजकल मुझे स्टोरी नहीं सुनानी पड़ती है, वो खुद सुनाती है बहुत सारी स्टोरी और एक्सप्रेशन के साथ। तो बस अनाया अभी ब्रश करके भी आ गई है, और ब्रश करने की हैबिट अगर बच्चे में नहीं है रात को, तो मैं एक टिप आपको ज़रूर बताऊँगी यहाँ पर। जैसे स्कूल में कई बार देखेंगे मैम कभी ना कभी जरूर बच्चों को बोलती है कि रात को ब्रश करना है, उस टाइम बच्चे आपको आके बताएंगे मैम ने आज ये चीज़ सिखाई है। उस टाइम से ही बच्चों को हैबिट डाल दीजिए ब्रश करने की, तो बच्चे आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उस टाइम, और फिर वो डेली करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को तो फिर बच्चे भी इग्नोर कर देते हैं। और अभी बज गए हैं 9:30, और अब हम लोग भी डिनर करने आ गए यहाँ पर। और जनरली हमारा जो सोने का टाइम होता है वो 10:30-11 तक होता है, क्योंकि मुझे फिर अगेन सुबह जल्दी उठना रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात में जो है तो टाइम से सो जाऊँ। तो ये सारे काम थे जो हम इवनिंग में डेली करते हैं। आपको इवनिंग रूटीन हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स, तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा, ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक बार सब्सक्राइब करना है उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।